गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं लोकोमोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स एंड द गर्डल्स। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ये भी हम जो है रीड कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं जॉइंट्स। बॉन्स आर जॉइंट टू ईच अदर्स। जो बॉन्स होती है वो क्या होती है, जॉइंट होती है ईच अदर्स एट अ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। द प्लेस वेयर टू और मोर बॉन्स जॉइन, एक ऐसा जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो है बॉन्स जो है जॉइन होती है, कॉल्ड अ जॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। बॉन्स आर जॉइंट बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स। जो बॉन्स होती है वो जॉइंट होती है किसके थ्रू, टफ, टफ का मतलब होता है मजबूत, फ्लेक्सिबल बैंड्स, और फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज इज कॉल्ड द लिगामेंट्स। जिसे जॉइंट होती है वो टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और किस तरीके की होती है, इलास्टिक टिश्यूज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। द एंड्स ऑफ द बॉन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट इज लाइंड विद लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज। ये क्या कह रहा है, द एंड्स ऑफ द बॉन्स, जो बॉन्स का एंड पार्ट होता है, फॉर्मिंग अ जॉइंट, जहाँ पर वो जॉइंट क्या करता है, बनाता है, इज लाइंड विद लेयर ऑफ टफ, वहाँ पर क्या होता है, लाइन लेयर होती है टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज, कैसी, इलास्टिक टिश्यूज की, कॉल्ड द कार्टिलेज, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। द कार्टिलेज मेक्स द एंड्स ऑफ द बॉन्स स्मूथ। जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, जो बॉन्स होता है उसको स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, स्मूथ बनाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द बॉन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जब भी जो है हड्डियाँ हमारी क्या करती हैं, मूवमेंट करती है, तो उस समय में ये क्या करते हैं, उसको फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, और उसको स्मूथ, ठीक है ना, बनाता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो है दूसरे जो है पार्ट्स बॉडी के, उसमें भी जो है क्या करते हैं, होते हैं ऑफ द बॉडी, लाइक अपर पार्ट्स, जैसे कि हम बात करें अपर पार्ट्स की ऑफ द ईयर एंड द फ्रंट पार्ट्स ऑफ द नोज, और फ्रंट पार्ट जो हमारा नोज होता है वहाँ पर भी जो है ये पाया जाता है। अब हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की।